नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ भाई, सऊदी क्या स्थिति, क्या चल रहा है स्थिति, क्या भाई लॉकडाउन सऊदी का, या फिर फ्लाइटें, वीज़ा, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। वो तो सबको आपको पता ही है, सब कुछ क्लोज है। और अभी उम्मीद नहीं है इंडिया के लिए कि चालू होगा, भूल जाओ उम्मीद को। इस पर हम सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। हम बात करेंगे जॉब से रिलेटेड। जी हाँ, सऊदी में कोविड की वजह से क्या स्थितियाँ चेंज हो रही हैं, और जो सऊदी के जो नए किंग हैं सलमान, जो जवान लौंडा है, आप सबको पता है, और जवान लौंडों की भाई माइंड है ना, वो अलग तरीके से चलता है। आप चाहे इंडिया में देख सकते हैं, चाहे आप अपने आप के ऊपर ले लें, जो अपने दादा के, अपने फादर के चलता दिमाग, उससे जवान लौंडों का ज़्यादा चलता है, स्वाभाविक सी बात है। वो कुछ अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, तो सऊदी का जो सलमान किंग है वो भी अपने सऊदी के लिए कुछ करना चाहता है। उसका विजन है 2030 तक बहुत कुछ बदल जाएगा, जिसमें कुछ अपडेट अच्छे भी आएंगे, कुछ अपडेट बुरे भी आएंगे। हम आप आज बात करेंगे बुरे अपडेट के बारे में। जी हाँ, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भाई होगा, ये तय बात है, स्टार्ट हो चुका है। आने वाले 6 महीने में देखना, इसका अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। जी हाँ, अच्छा क्या, अपने लिए तो बुरा है, लेकिन उनके लिए अच्छा रिजल्ट है। जी हाँ, कौन सा रिजल्ट की बात करें, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जो भाई आपको पता है, जब से सऊदी का जो किंग है सलमान, जवान लौंडा है, 30-35 साल के अंदर का, जब से उनके हाथों में सत्ता आई है, उनका एक टारगेट बन चुका है कि सऊदी को हार्डकोर कंट्री से सॉफ्ट कंट्री की तरफ लेके जाना। जी हाँ, इसका विजन 2030 है, आपको सबको पता ही है। जी, इसके साथ साथ कोरोना आपको पता है बढ़िया तरीके से, इस वजह से सऊदी ने सब कुछ लॉक करके रखा है। जो लोग सऊदी से बाहर अपने अपने देश गए थे, वो वहीं स्टॉप हो गए। कंपनी सऊदी में लोगों की ज़रूरत है, और वो टाइम गया भाई अब, जब सऊदी के लोग बद्दू हुआ करते थे, वहाँ के लोग भी एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिख के डिप्लोमा वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। वो भी सऊदी के जो सरकार है, जो किंग है, वो चाहते हैं कि हमारे लोगों को इन जॉबों में फ्रंट पेज पे दिया जाए। फ्रंट पेज समझ रहे हैं, इंडिया में अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो उस टाइम वो क्या करते थे, आपको सब फिल्मों में भी देखा होगा भाई, जो मेन पद होते थे, बड़े पद या कहीं पर आगे जिसमें लीडरशिप थी, वो अंग्रेज होते थे, बाकी जो छोटा मोटा काम या फिर बैकवर्ड में, बैक पर्दे के पीछे, जैसे हीरो फिल्मों में मैन होता है, बाकी बेचारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। सेम कंडीशन है फ्रंट पेज पे सऊदी के लोगों को लेके आना। जी हाँ, उनका साफ साफ टारगेट है, आने वाले 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अभी ये शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, शुरुआत की बात करें तो आपको पता है सऊदी सरकार ने काफ़ी महिलाओं को आज़ादी दे दी जॉब करने की, तो ये विदेशों से जो महिलाएं जाती थी उनकी जगह ले लेगी, आप सबको पता ही है। आगे हम बात करें भाई, मॉल है, शॉपिंग मॉल है, जी हाँ, इनके अंदर बता दूं 50% जो कैशियर का काम है, वहाँ पे जो कैशियर होते हैं ना, वहाँ पे जो सब के सब लोग सऊदी के लोग बैठेंगे, ये फाइनल हो चुका है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मॉल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर 40% लोग हैं वो सऊदी के लोग होने चाहिए, ये नियम बना हुआ है, ये नियम बन चुका है, ये लागू हो जाएगा अभी, ठीक है। कैफे में आप जाते हैं, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, जो कैफे होते हैं उसमें 50% लोग सऊदी होने चाहिए। जी हाँ, बाकी बाहर के रेस्टोरेंट होते हैं जैसे आउटसाइड में, वहाँ पे 20% सऊदी के लोग होने चाहिए। जी हाँ, सऊदी कैफे में बता दूँ, बाहर के कैफे वहाँ पे 30% सऊदी के लोग होने चाहिए। जी हाँ, जितने भी केस काउंटर हैं, यानी पैसों का मामला, वहाँ पे सब के सब सऊदी के लोग होने चाहिए। जी हाँ, शॉर्ट तरीके से बात करें तो जो मेन मलाईदार जो जॉब हैं, अच्छी पोस्ट, मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया था अभी 4 दिन पहले, वो कोई अकाउंटेंट थे, अकाउंटेंट मतलब जो काम करते हैं अकाउंटेंट, एक चार्जेंट अकाउंटेंट अलग होता है, वो अकाउंटेंट थे, बोलते हैं सर मेरी 3000 रियाल सैलरी है, और मेरे को काफ़ी टाइम 10-12 साल से वो सऊदी में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ के जो जॉब है ना, इतना हमें अब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग उन जॉबों में आ रहे हैं, सरकार भी ये चाहती है कि ये निकले तो अच्छा रहेगा, तो मैं दूसरे देश में मूव होना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये तय बात है भाई, ये जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जॉब है ना, जिसमें सैलरी 2000 रियाल से ऊपर है, 1500 से ऊपर है, जो वाइट कॉलर जॉब है, वहाँ पर सब लोगों को सऊदीकरण कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बुरी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन ये आने वाले 3 से 6 महीने में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वहाँ के लोकल लोगों की मांग भी उठ रही है भाई, क्योंकि वो टाइम था तब वो अनपढ़ थे, अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, या वो काम नहीं करते थे, लेकिन अभी ज़माना बदल रहा है, हर इंसान चाहता है कि मैं बैठ के नहीं खाऊं, मैं काम करूं, और इसीलिए काम तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनको मिलेगी,
आपके पास अगर कोई बिजनेस है, आपके पास 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो पहले आप चांस किसको दोगे? अपने परिवार को, भाई को, लोगों को दोगे ना? बाद में आप अन्य अन्य जॉबों में लेबर को रखोगे, सेम कंडीशन ये होने वाली है सऊदी में। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।